नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस जज्बे को नमन। भारत भाग्य निर्माता अनकही कहानियों में पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष आदि शंकराचार्य के बारे में बताने जा रही हूँ। आदि शंकराचार्य भारतीय संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में उनका विशेष योगदान रहा है। आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईस्वी पूर्व केरल में कालाथ नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माताजी का नाम आर्यम्बा था। ये बड़े ही मेघावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकार पंडित बन गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। 32 वर्ष की अल्प आयु में ही 474 ईस्वी पूर्व में केदारनाथ के समीप उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने भारत भर का भ्रमण कर हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की। 4 धार्मिक मठों में दक्षिण का श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ, पूर्व ओडिशा जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिमी द्वारका में शारदा मठ तथा बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ भारत की एकात्मकता को आज भी दिग्दर्शित कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं की एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों स्नोत्र साहित्य का निर्माण कर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण बौद्ध तथा हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। शंकराचार्य जी के इस जज्बे को हम नमन करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।